चलिए अपन यहां से करते हैं, बर्ड ओपन करते हैं। कहाँ गया ये है? हमने आपको पेज लेआउट टैब में कहाँ तक बता दिया था? ब्रेक्स तक और कॉलम तक। तो आ गया था आप सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे फिर से पैराग्राफ लेते हैं। एक ही इक्वल करेंगे, आर ए एन डी रैन, शिफ्ट के साथ ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज। अपन थोड़े ज्यादा पैराग्राफ्स ले लेते हैं, ठीक है? कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट पेज पर। अब इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स में, टेक्स्ट रैपिंग। आप जैसे कि ये फोर्थ फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसकी यहाँ पे लाइन एंड हुई है, ठीक है? आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो लाइन एंड हुई है उसी के जस्ट नीचे से आपको इसी पैराग्राफ में कुछ डेटा लिखना है, ठीक है? तो आप किसका यूज करते हैं? ब्रेक्स के ड्रॉप डाउनर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। जिससे आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये कर्सर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो भी डेटा लिखना है आप यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे। अरे अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इग्नोर कर देते हैं तो भर जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे उसने ले ली उसी में। अब आप यहाँ पे भी आपको लिखना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे तो इस वाले पैराग्राफ में नीचे से लाइन ले लेगा। एंटर की अगर आप करते हैं तो वो दूसरा पैराग्राफ काउंट करेगा, ऐसा नहीं कि वो ही ले आपका। एंटर की से वो क्या होता है, दूसरा ले लेता है। और आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो उसी वाले पैराग्राफ में ले लेगा आपका टेक्स्ट। एंटर किया हमने तो आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं जैसे कि तो हमने ये कुछ टैक्स लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अपन इसको इग्नोर कर देते हैं। अब आपने को देख रहे पहली बात तो इसमें स्पेस ज्यादा लग रहा होगा, आपको लग रहा है तो स्पेस भी ज्यादा आ जाएगा। और आप यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे कि इसने पैराग्राफ अलग लिया है या नहीं लिया? तो आप सभी स्टूडेंट्स ने होम टैब में नंबर ऑप्शन पढ़ा था, नंबरिंग बुलेट्स के बाद मिलता है ना आपको यहाँ से। ये यार आप जैसे कि आप यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करेंगे और आपको यहाँ पे नंबर देना है तो किस टाइप का देना है वो यहाँ पे देंगे। तो देखिए उसने यहाँ पे इस वाले में नहीं लिया नंबर, क्यों? क्योंकि वो इसी फर्स्ट पैराग्राफ का डेटा है जो कि अपन ने टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा लिया था, लेकिन अपन ने कीबोर्ड से एंटर की करके लिया था तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने सेकंड पैराग्राफ उसको काउंट कर लिया है, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि उसी पैराग्राफ में आपका डेटा और नीचे से लाइन से लिखना है तो आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। तो हम इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, और जहां से आपने नंबरिंग दी है आप यहां से कर देंगे उसको नन कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है ब्रेक्स में, आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का यूज हमने बताया था आप सेक्शन के पार्टीशन करते हैं, नहीं आया समझ? हेडर फुटर देना बताया था हमने, उसमें हमने बताया था ना आपको ये पेज ऑप्शन आप आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी भी आप इसका यूज करेंगे, कब? जब आप यहाँ से लाइन नंबर्स देते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ना रीस्टार्ट ई सेक्शन, तो पहले तो आपके पास दो सेक्शन होने चाहिए, तब आप हर एक सेक्शन से स्टार्टिंग से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग ले सकते हैं। तो उसका अपन क्या करते हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे पैराग्राफ हैं तो अपन यहाँ पे क्या कर दें, सेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेज का साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे व्यू पे जाके मल्टी पेजेस कर लेते हैं।
अब आपको जहां कहीं से भी सेक्शन करना है तो आप वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे करना पड़े, फोर्थ नंबर के पेज से क्लिक किया आपने, और पेज के ड्रॉप डाउन, सॉरी ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट इसमें सेक्शन आ गया आपका। कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट किया आपने, अब यहाँ से आप करेंगे रिस्टार्ट स्पेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने कंटिन्यू नंबरिंग ली है आपकी, कहाँ तक लिए, इस वाले पेज तक। फिर उसने स्टार्टिंग से स्पेस से कर दी, फोर्थ पेज से उसने स्टार्टिंग से की है। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन मतलब कि जहां आपसे अलग अलग सेक्शन होगा वहां पे अलग से स्टार्टिंग से नंबरिंग आ जाएगी आपकी। जैसे आप एग्जाम देती है ना, ए सेक्शन बी सेक्शन करके क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे सेक्शन बनाने के लिए नेक्स्ट पेज का आप यूज करते हैं। अभी हम यहां से इसको नन कर देते हैं तो आ जाएगा। हम बताते हैं, पहली बात तो आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, जो आपने ब्रेक्स का यूज किया था उस टाइप में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ब्रेक्स का क्या यूज होता था कि जहां कहीं से आपको टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लेके जाना होता था वहां पे क्लिक करते थे आप, और ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके पेस्ट कर देते थे। अगर आपको नेक्स्ट पेज करेंगे ना आप, तो वो तो भी उसी टाइप से यूज हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे उससे पहले का टैक्स आपका फर्स्ट पेज पे है और उसके बाद का टैक्स आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब आपको दोबारा फर्स्ट पेज पर ही लेकर जाना है तो क्या करेंगे आप, बैक स्पेस। इसमें ओनली आपको क्या करना है, अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये बैक स्पेस से नहीं जाता, हाँ सॉरी, ये आपका बैक स्पेस से नहीं जाता है। जब आप पेज ब्रेक करते हैं ना, वो उस बैक स्पेस करते हैं तो उसे लस आएगा। इसमें आपको कंट्रोल जेड करना रहेगा, लेकिन कंट्रोल जेड भी कब होगा जब आपने कोई और दूसरी फॉर्मेटिंग नहीं की होगी। और अगर आपने कोई दूसरी फॉर्मेटिंग कर दी तो पहले वो बैग जाएगी जो फॉर्मेटिंग की है, फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट बैग जाएगा। तो अपन यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है, बैक स्पेस से नहीं होता इसमें। अब यहाँ पे हमने दूसरा बताया था सेक्शन के लिए। अब सेक्शन क्या होता है, ए सेक्शन बी सेक्शन जानते हैं आप। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि एक ही सेक्शन ले रहा है आपका पूरा टेक्स्ट। आपको इसमें दो सेक्शन में डिवाइड करना हो कि वन सेक्शन और टू सेक्शन, तो आपको जिस पेज से भी इसमें सेक्शन करना है, जैसे अपन चाहते हैं थर्ड पेज से, थर्ड पेज की स्टार्टिंग में क्लिक किया, ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं हुआ लेकिन ये सेक्शन बन गया आपका। अब कैसे पता चलेगा, एक तो आप यहां से नंबरिंग का यूज करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा, आप सभी ने हेडर फुटर पढ़ा है, हेडर और फुटर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आप यहां से किसी का भी यूज कर लेना। जैसे कि हम यहां से हेडर ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड पेज से वो आपका सेक्शन टू ले रहा है और उससे पहले का क्या ले रहा है, सेक्शन वन। अब आया समझ, जहां पे आपका क्लिक रहेगा वहां से अगर आप सेकंड सेक्शन बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो आप कर सकते हैं सेक्शन में, ठीक है। तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं, हेडर को, हेडर दिया था वो आपको नंबरिंग वाला, शायद इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि नंबरिंग अभी अपन ने की नहीं है। अपन अभी करेंगे तब आ जाएगा आपको नंबरिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये नेक्स्ट पेज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस। जैसे कि आप यहाँ पे सेक्शन देते हैं, आपको उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू स्पेस लेना। जैसे आप सेक्शन छोड़िए, आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू स्पेस लेना है। तो आप कीबोर्ड से एंटर की करते जाते हैं तो स्पेस आ रहा है आपको, लेकिन इस स्पेस को आप बैक स्पेस की से रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं, हट गया। लेकिन अगर आप यहां से ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्पेस आता जा रहा है आपका। अरे सॉरी, नेक्स्ट पेज हुआ गलती से, कहाँ गया अपन, कहाँ थे, यहाँ थे। इसके बाद अपन फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते, आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको बैक स्पेस से रिमूव नहीं होगा आपका, देखिए टैक्स हटने लगेगा लेकिन,
लेकिन ये जो स्पेस आपने दिया ना यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप रिमूव करेंगे ना तो बैक स्पेस तो रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप डिलीट की करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट की कर रहे हैं आप, तो डिलीट की से वो कर्सर कहाँ ले जा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट की करेंगे तो आप जिस पैराग्राफ पे क्लिक होगा ना उसका टेक्स्ट रिमूव होने लगेगा, हो रहा है। मतलब जो आपने स्पेस दिया है कंटिन्यूअस के द्वारा वो आप हटा नहीं सकते, तो आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइप करना है आपको तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो उतना स्पेस ले लेगा टॉप बॉटम में जितना जहां पे आपने क्लिक किया हुआ। फिर आप एंटर की करेंगे तो वो उतना स्पेस फिर बढ़ाता जाएगा आप जितना आपने कंटिन्यूअस में सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो अपन इसे बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं, अब इतना तो होगा नहीं है तो आ जाएगा। अगर आपको इसको हटाना तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। नहीं, वो हट जाएगी और फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, माउस से इस टाइप से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो वो एरिया हो रहा है क्या, आप डिलीट कर देते हैं, लीजिए पैराग्राफ डिलीट होगा क्योंकि जो खाली एरिया ना वो सेलेक्ट नहीं होगा ऑनली, फिर आपको पैराग्राफ भी सेलेक्ट करना रहेगा यहाँ से इस टाइप से। हाँ, वहां से आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि इसे करते जाएंगे, सॉरी ये तो हमने बैक स्पेस से किया है, सॉरी एंटर से किया है। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पेस देते हैं आप यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस आ रहा है बिफोर और आफ्टर। अब आप सभी को पता है बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। आपका ये पहले है तो क्या होगा, ये आफ्टर, तो आफ्टर से आप कम करेंगे ना, बढ़ रहा है सॉरी, आप यहाँ से कम करते जाएंगे डाउन एरो से, तो आप देखेंगे उससे भी वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी। थैंक यू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको मिलता है इवन, और इसके नीचे एक और है ओल्ड। इवन और ओल्ड ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन में बता रहा है 2, 4, अरे अरे वो ओल्ड है इवन, हाँ ऑड, सॉरी ओल्ड नहीं ऑड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इवन मीन्स होता है सम और ऑड मीन्स होता है विषम, पढ़ी है ना आपने सम संख्या विषम संख्या, किसमें पढ़ी है। वही तो हमने इतना पूछा था और नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। चले इवन होती है जो सम संख्या रहती है क्या, 2, 4, 6, 8, 12, 10 ये रहती है, और ओड कौन सी होती है, विषम संख्या, हाँ 5, 7 ये होती है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे है, आपको डायरेक्ट सेकंड पेज छोड़ के थर्ड पेज पे जाना है, तो क्या करेंगे आप ऑड, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रेक्स पे जाते हैं और यहाँ पे आप ऑड करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड फर्स्ट पे थे, आप सेकंड पे नहीं आए, थर्ड पर आ गए आप। इसके बाद जैसे अब आप यहाँ पे फर्स्ट पे हैं और आप यहाँ पे सेकंड पे जाना चाहते हैं तो इवन कर देंगे तो सेकंड पे आ जाएंगे आप। अब आपको थर्ड पे नहीं जाना, फोर्थ पे जाना है तो फिर इवन कर देंगे, और इन दोनों पेज से ऑटोमेटिक ही पेजेस आते जाते हैं आपको, बढ़ते जाएंगे पेज। ऐसा नहीं है कि जितने पेज अपन ने लिए हैं वही रहे, ये ऑटोमेटिक पेज आपके लेता जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा इवन और ऑड, तो अपन कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ब्रेक्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आप सभी को। हाँ, तो आपको जाना, तो हमने एक और ऑप्शन बताया है ना, आपको याद है किसी को, हाँ अब क्या होता है, आप तो बोल ही दिया, बोलिए गो टू, पढ़ा है आपने, कहाँ पढ़ा है, हाँ लेकिन वो है किस टैब में, इंटरनेट
होम टैब में है, लास्ट में मिलता है आपको एडिटिंग ग्रुप में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने एडिटिंग ग्रुप बोला है आपको, ये है ये एडिटिंग ग्रुप है, इसमें आपको मिलता है, यहाँ पे फाइंड है, फाइंड में ये है, पढ़ा है ना? ठीक है, अच्छी बात है, याद है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइन नंबर। अभी तक आप पैराग्राफ नंबरिंग देते थे होम टैब से, अब आपको हर एक लाइन में नंबर देना हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो टेक्स्ट लेंगे, इक्वल RANDY रैंड शिफ्ट के साथ ब्रेकेट ओपन, एंड जितने भी पैराग्राफ लेने हैं आप यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे और यहाँ पे ब्रेकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है? इसके बाद कंट्रोल के साथ होम की का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन नंबर्स के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कंटिन्यू नंबरिंग आ जाएंगी। कंटिन्यू मतलब आपका फर्स्ट पेज पे कहाँ पे एंडिंग हुई है, 39, तो उसने 30 से नेक्स्ट पेज से ले लिया। फिर इस पे कहाँ पे एंडिंग हुई है आपकी, 59, फिर उसने कहाँ से ले लिया, 60 से, मतलब वो आपकी कंटिन्यू नंबरिंग ले रहा है हर एक पेज में। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है रीस्टार्ट ईच पेज, आप इस पे क्लिक करेंगे तो हर एक पेज पे वो स्टार्टिंग से नंबरिंग ले लेगा। आ रहा है? ठीक है, ठीक, इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो पहले आपका टेक्स्ट सेक्शन में होना चाहिए, तो अपन इन नंबरिंग को रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, जहां से आपने अप्लाई किया था उसी में आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है, नन, तो आपकी रिमूव हो जाएगी जो आपने नंबरिंग दी होगी। अब यहाँ पे आपको सेक्शन बनाना है, जैसे कि हम फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में कंटिन्यू देना चाहते हैं, थर्ड पेज से हमें स्टार्टिंग से लेना है, तो आपने यहाँ पे थर्ड पेज पे क्लिक किया और क्या करेंगे, ब्रेक्स पे के ड्रॉप डाउन और पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज, सेक्शन बन गया आपका। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे रीस्टार्ट इस, मतलब हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, पर आप क्या करेंगे यहाँ पर रीस्टार्ट ई सेक्शन कर देंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में भी आएगा आपको, लेकिन थर्ड वाले में वो आपको क्या ले लेगा, स्टार्टिंग से नंबरिंग ले लेगा। क्यों? क्योंकि वन सेक्शन में उसने कंटिन्यू ली है और सेकंड में आपने फिर कंटिन्यू कर दिया। जैसे आप बोल रहे थे ना अभी कि एक सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन रखना है, सेकंड में फिर 10 रखना है, तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली कितनी नंबरिंग ली है, 59 तक, फिर सेकंड में ले लिया अपन ने बाकी सभी जितनी भी नंबरिंग है, ठीक है? तो आज आएगा क्या, नहीं आएगा? अरे कुछ नहीं, अपन ने नंबरिंग दी है। अब जैसे कि हमने आपसे बोल दिया कि आपके पास 10 पेजेस हैं, ठीक है, और हमें आप स्टार्टिंग के 2 पेज की लाइन नंबर बताइए कितनी है, तो आप बता देंगे। फिर थर्ड और फोर्थ पेज में आपको कम डेटा है, तो हम उनकी बोलेंगे कि उनकी आप अलग से हमें लाइन नंबर बताइए, तो आप अगर कंटिन्यू करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज तो हर एक पेज पे स्टार्टिंग से लेगा, और कंटिन्यूअस करेंगे तो वो पूरे पेज पे कंटिन्यू लेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन बना देती हैं, जहां कहीं से भी आपको सेक्शन से स्टार्टिंग करनी है, तो आप यहाँ पे किसके द्वारा बनाते हैं, नेक्स्ट पेज के द्वारा, ठीक है? तो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, इसमें सपोज इसमें क्या होगा, आपको जिस भी पैराग्राफ की नंबरिंग रिमूव करनी है उसके लिए रहता है, तो पहले अपन इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से नंबरिंग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू नंबरिंग देते हैं, आ गया कंटिन्यू। जैसे मान के चलिए आपका ये सेव टाइम वाला है, इस पैराग्राफ की नंबरिंग रिमूव करनी है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लाइन नंबर्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां से आ रहा है ये नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 नंबर तक उसने कंटिन्यू ले ली। फिर अपन ने जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसकी उसने ड्रॉप कर दिया बीच में, फिर नीचे से उसने कंटिन्यू ले ली, 13 नंबर से ले ली उसने कंटिन्यू, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एक लाइन की नंबरिंग रिमूव करना चाहते हैं तो एक लाइन की हो जाए, कब होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इसको, ओनली एक ही लाइन सेलेक्ट की है, और आप यहाँ से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इसको, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक तीनों को कर देगा। क्यों? क्योंकि
फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपके 3 लाइन है, तो पूरे पैराग्राफ को रिमूव करेगा, 1 लाइन की नहीं करेगा आपकी, आ जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इतने ऑप्शंस करके देखना, अभी आपके इसमें और भी हैं तो अपन वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा। कभी कभी जैसे कि आप कुछ एडिटिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, एंटर किया, और इसमें आपने लाइन नंबर दी, और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे, तो आप देखेंगे नंबरिंग आपकी डिलीट नहीं हुई है, तो आपको कभी कभी यहीं से डन करना रहेगा, तब वो रिमूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप सभी से इतना रिविजन करना, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी पे आता हूँ, क्यों क्लोज कर दे, कोई बात नहीं, ड्रॉप डाल लेना इसमें सही।